सो हे गाइस, वेलकम टू आउट माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मरीन, आपका होस्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 2016 वाला किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ कि मेरे पास जो वर्ड या पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक्टिवेट नहीं है। 2016 का इसका वर्जन है और हमने इसको किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल ब्लैंक भी देता हूँ तो मुझे कह देगा इधर के, ये देखें आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड, तो आई वांट टू एक्टिवेट इंटरनेट। तो मैं इसको सिंपली कैंसिल करके और इसको क्लोज कर दूंगा और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन हो जब भी आप ये प्रोसीजर कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, बिटली ऑफिस 2016 txt। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की फाइल ओपन होगी। तो आपने इस तमाम को कॉपी कर लेना है A to Z, और इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है। तो किस तरह की डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है वो मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लेंगे इसको, हम एक दफ़ा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है इसको सारे के सारे, और उस पर फाइल करना है सेव एज। तो सबसे पहले तो हमें इसको नेम देना है एक्टिवेटर, तो नेम देते हैं एक्टिवेटर, और इसके आगे हमने लिखना है .cmd और सिंपली हमने इसको कर देना है सेव, और इसको हमने एक दफ़ा कर देना है क्लोज। तो ये देखें ये हमारे पास वो फाइल आ गई है। तो सिंपली हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है रन एज एडमिनिस्टर। इसके भी क्लिक करेंगे फिर हमसे ये कमांड पूछेगा, ओके करें तो हम यस कर देंगे, तो ये खुद खुद उसको पैच कर देगा या उसके अंदर वो जो भी प्रोडक्ट की होगी वो खुद बहुत इंसर्ट कर देगा। हमें कोई भी किस्म का इशू यहाँ नहीं फेस होगा कि हमने ये वाली कमांड देते हैं तो हमारा ऑफिस एक्टिवेट नहीं होता। इंशाल्लाह अभी वेट करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारा ऑफिस को एक्टिवेट कर देगा और आपको इंटरनेट भी ऑन रहे तब भी आपको एरर नहीं देगा। तो मेक श्योर कि आपने अपना इंटरनेट ऑन रखना है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड हो या प्रो हो, 2016 वर्जन हो, वो ये एक्टिवेट आपको कर देगा विद ईजी स्टेप्स, विदाउट एनी गेम स्पाइक हो या किसी भी एनी क्रैक या पैच के बगैर। तो एग्जैक्ट वुड यू लाइक टू विजिट माई ब्लॉग, तो अभी के लिए नहीं तो एंड, और डेट्स ऑल। हमारा जो विंडो का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक्टिवेट हो चुका है। एक दफ़ा हम ओपन करके देख लेते हैं कि क्या हमें ये अगेन प्रोडक्ट की या उनकी डिमांड करता है। तो देखिए एक्सेप्ट दी लाइसेंस एग्रीमेंट, तो उसने कह दिया है कि हमारा जो इंस्टॉल वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी ये हमें वो पहले वाला नहीं पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट की आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमारी प्रोडक्ट की ऑलरेडी एक किस्म की लग चुकी है। फाइल में जाकर मैं आपको दिखा भी देता हूँ अकाउंट, तो देखें ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड आ गई है। तो इस तरह से गाइस आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टोटली कम्प्लीटली एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के या कीजन के या गेम्स वाइप हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह की मजीद वीडियो में लाता रहूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।